भारत और चीन के बीच जब जब सीमा पर तनाव होता है, हमारे लिए 1962 का युद्ध संदर्भ बिंदु की तरह उभरता है। भारत चीन संबंधों का इतिहास देखें तो त्रासदी यह है कि 1962 तो हमें याद है, लेकिन 1967 हम भूल गए। 11 सितंबर 1967 का दिन भारत के सामरिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। 11 सितंबर की सुबह कुछ भारतीय सैनिक सिक्किम से लगी सीमा पर नाथुला नामक स्थान पर सीमा की रक्षा के लिए कंटीली तार बिछाने गए थे। चीन के लगभग 100 सैनिक वहां आ पहुंचे और भारतीयों को धमकाने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने अपना काम जारी रखा। चीनी सैनिक वापस अपने बंकरों में गए और सुबह 7:45 पर लाइट मशीन गन से जबरदस्त फायरिंग आरंभ कर दी। इसके फौरन बाद चीनी तोपों ने भारतीय चौकियों और बंकरों पर हमला कर दिया। लेकिन ये 1962 नहीं था। इस बार भारतीयों के पास हथियारों की कमी नहीं थी और न ही उनका मनोबल कमजोर था। चीन के धोखे से किए गए हमले में कुछ भारतीय सैनिक शहीद हुए। भारतीयों ने पहले तो जवाबी फायरिंग की, लेकिन चीनी सेना को उतना नुकसान नहीं हुआ। युद्ध शुरू हुए कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन भारतीय तोपें अभी चुप थीं। कमान लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह के पास थी और उस समय दिल्ली में सरकार से इसके लिए अनुमति चाहिए थी कि भारतीय तोपों का इस्तेमाल कर सकें। दिन आगे बढ़ता जा रहा था, भारतीय हताहत हो रहे थे, चीनी सेना अपनी स्थिति मजबूत कर रही थी। आखिरकार सगत सिंह ने तय किया कि इस बार 1962 को दोहराना नहीं है बल्कि नया इतिहास लिखना है। वह स्वयं युद्ध स्थल पर आ खड़े हुए और उन्होंने दिल्ली से निर्णय का इंतजार न करते हुए तोपों को हमले का आदेश दिया। कुछ ही घंटों में युद्ध क्षेत्र का नजारा बदल गया। भारतीय तोपें सामरिक दृष्टि से ज्यादा बेहतर स्थिति में थी, क्योंकि वे सेबुला और कैमल्स बैक पर तैनात थी, जहां से पूरी आतुन घाटी उनकी फायरिंग रेंज में थी जहां चीनी तैनात थे। भारतीय तोपों के हमले ने चीनियों के पैर उखाड़ दिए, उनकी चौकियां तहस नहस हो गईं, संचार लाइन ध्वस्त हो गई और बंकरों में लाशों के अलावा कुछ न बचा। लगभग 350 चीनी सैनिक मारे गए और 450 से ज्यादा घायल हुए। इस तरह 1962 की हार का बदला चुका लिया गया। इस घटना से बुरी तरह से आहत चीनी सेना चुप करके नहीं बैठने वाली थी। उन्होंने नाथुला की युद्ध के बाद 15 दिन के भीतर ही इसी सेक्टर में चोला नामक जगह पर भारतीयों को घेरने की कोशिश की। नतीजा ये था कि एक बार फिर भारतीय और चीनी सेनाएं आपस में टकराए। इस बार भी भारतीय सेना की कमान सगत सिंह के हाथ में थी और चीन को भारी नुकसान पहुंचा। यहां भी पहले चीन ने धोखे से हमला कर कुछ भारतीय सैनिकों को हताहत किया, लेकिन इसके बाद भारतीय सैनिकों ने पलट कर ऐसा हमला किया कि चीन को पीछे हटना पड़ा और चोला पर उसके कब्जे के प्रयास विफल हो गए। भारतीय सैनिकों की वीरता का अंदाजा एक उदाहरण से लगाया जा सकता है। गुरखा सैनिक देवी प्रसाद लिंबू ने शुरुआती हमले में अपनी जान की परवाह न करते हुए खुखरी के एक ही वार में 5 चीनी सैनिकों के सर धड़ से अलग कर दिए थे। उसकी वीरता से अचंभित चीनी सैन्य अधिकारियों ने जब उसका शव भारतीय अधिकारियों को सौंपा तो ये स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसी बहादुरी के किस्से पढ़े ही थे पर देखे पहली बार। कुछ चीनियों ने उन्हें चोला का टाइगर का दर्जा दिया। एक महीने के भीतर दो बड़े संघर्षों में बुरी तरह से हार से जहां चीन को भारी मनोवैज्ञानिक झटका लगा, वहीं भारतीय सेनाओं को भी 1962 के सदमे से उबरने में निश्चित ही मदद मिली। ध्यान देने की बात यह है कि सगत सिंह की इस बहादुरी के कारण भारत के पास नाथुला और चोला, ये दोनों सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल भारतीय अधिकार क्षेत्र में रहे। विशेष रूप से नाथुला पर भारतीय सेना की मौजूदगी के कारण 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में चीन पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर सामने नहीं आ पाया। अगर चीन ने नाथुला की लड़ाई जीत ली होती तो उसकी पहुंच सिलीगुड़ी गलियारे तक हो जाती। सिलीगुड़ी गलियारा उत्तर पूर्व भारत को बाकी के भारत से जोड़ता है। 1971 के भारत पाक युद्ध से पहले अगर चीन का कब्जा अगर नाथुला पर हो गया होता तो वह भारत पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से दबाव बना सकता था और पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेनाओं के साथ बड़ी आसानी से संपर्क स्थापित कर भारत के पूर्वी हिस्से को इसके बाकी के हिस्से से काट सकता था। लेकिन 1967 में चीन पर भारत की जीत ने सिलीगुड़ी गलियारे में चीन के किसी भी हस्तक्षेप की संभावना को समाप्त कर दिया और इस प्रकार भारत एक अत्यंत मुश्किल परिस्थिति में फंसने से बच गया। 1967 के इस युद्ध में भारत की विजय के दूरगामी सामरिक परिणाम हुए। इसके बाद लगभग 6 दशक से भी अधिक समय तक अगर कोई बड़ा संघर्ष चीन के साथ नहीं हुआ तो उसका आधार बहुत हद तक 1967 का ये युद्ध था, क्योंकि चीन को संदेश मिल चुका था कि 1962 की गलती दोबारा दोहराने को भारत तैयार नहीं और सामरिक दृष्टि से वह कड़ा जवाब देने में सक्षम है। लेकिन दुखद बात यह है कि 1962 में भारत की हार पर तो कई किताबें लिखी गईं, फिल्में बनी और सैकड़ों लेख आदि आज भी लिखे जाते हैं, पर 1967 का युद्ध और उसमें भारत की जीत उस समय की अखबार की कुछ कतरनों में सिमट भर कर रह गए।
इस अंक में इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नवीनतम वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।